हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। आज जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुछ थ्योरीज आपने पढ़नी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, मेनली उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनका अरेंजमेंट क्या है, मेटल्स के अराउंड लिगेंड्स कैसे अरेंज होते हैं। तो जो फर्स्ट थ्योरी है इससे रिलेटेड, वर्नर्स थ्योरी, इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में ये थ्योरी आपकी दी है। द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, 1893 में इसने ये थ्योरी दी है। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, इट इज इन कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस मेटल एग्जिबिट्स टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। जो भी कोई आपका कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है, आपको पता है मेनली उसमें क्या चीज़ होती है। एक ब्रैकेट के अंदर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जिसको आप बोलते हैं, इसके बाहर एक काउंटर आयन होता है। ठीक है, कोई काउंटर आयन है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ब्रैकेट के अंदर जो है वो मेटल्स होते हैं और लिगेंड्स होते हैं। मेनली बात हो रही है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इन मेटल और लिगेंड के अरेंजमेंट की, कि ये कैसे अरेंज। कहता है कि हर एक मेटल जो है, और मेटल के बाहर क्या है, लिगेंड्स अरेंज हैं। हर एक मेटल जो है उसके पास दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी, प्रिंसिपल वैलेंसी और आयोनाइजेबल वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सिलरी वैलेंसी और नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है उसके पास दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को आप प्राइमरी वैलेंसी, प्रिंसिपल वैलेंसी और आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं। आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल मतलब जब ब्रेक डाउन होगा, आयंस बनेंगे तो वो टूट जाएगा, आयंस में उसके साथ जो भी चीज़ लगी होगी वो टूट जाएगी, आयंस बन जाएगी। और दूसरी हो गई सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सिलरी वैलेंसी और नॉन आयोनाइजेबल। तो वो जो दूसरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। कहने का मतलब है कि मेटल के साथ दो तरह की चीज़ें आपकी, दो टाइप्स की चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। एक तो लिगेंड्स होते हैं आपको पता है, और दूसरा आपको उसका आपका जो है वो काउंटर आयंस भी होते हैं। आपको देखा होगा हमने कुछ काउंटर आयंस भी इसमें होते हैं। तो दो तरह की इसमें आयंस होते हैं, दो तरह की वैलेंसीज होती हैं। जो काउंटर आयंस होते हैं बाहर जो होते हैं ब्रैकेट के, वो आयोनाइजेबल होते हैं। देखा होगा आपने जब मेटल देखते हैं, Ml6 मान लो, जैसे K लिखा हुआ है, K4 लिखा हुआ है, तो ये जो बाहर है काउंटर आयन, ये है आपकी प्राइमरी वैलेंसी, ये आयोनाइजेबल होती है। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रेक होता है तो Ml6 ये आयन तो कंप्लीट रहता है, 3 नेगेटिव प्लस 4 नेगेटिव और K4 पॉजिटिव, ये अलग हो जाता है, ये काउंटर आयन अलग निकल आता है। तो दिस इज आयोनाइजेबल वैलेंसी, इसको आप प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। पर जो लिगेंड्स होते हैं, आपको पता है कम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल के साथ लिगेंड होते हैं, जब आयोनाइजेशन होता है तो लिगेंड नहीं निकलते, लिगेंड वैसे के वैसे ही रहते हैं और वो पूरा एक तरह का आयन निकलता है, कंप्लीट आयन निकलता है, लिगेंड्स उसके साथ अटैच ही रहते हैं। तो ये हो गई सेकेंडरी वैलेंसी या नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो मेटल पोजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को आप प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं या आयोनाइजेबल भी बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को आप ऑक्सिलरी वैलेंसी भी बोलते हैं या नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं। प्राइमरी वैलेंसी इज पोजेस्ड बाय द मेटल इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइजेबल एटम्स ग्रुप्स, दैट इज इट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन सिंपल सॉल्ट्स। प्राइमरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है? जो काउंटर आयंस हैं बाहर, वो रिप्रेजेंट करती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ प्लेटिनम इज +4, प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इज +3। देखो ये साल्ट है आपका PtCl4, PtCl4। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, Pt4 पॉजिटिव प्लस 4 Cl नेगेटिव। तो ये कौन सी तरह की वैलेंसी हुई?
ये प्राइमरी वैलेंसी हुई आयोनाइजेबल, जो आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज होने के बाद बाहर निकलेगा। जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या आपका डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। कितने नेगेटिव आयंस, काउंटर आयंस उसके साथ लगे हैं वो आएंगे उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो प्राइमरी वैलेंसी आपकी रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और सिंपल साल्ट्स में वो जो है ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर निकलती है। जैसे इसमें PtCl4 में प्लेटिनम की प्राइमरी वैलेंसी है +4, और COCl3 में इस कोबाल्ट की है +3। सो दिस इज प्राइमरी वैलेंसी जो या आयनाइजेबल वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी इज पोजेस्ड बाय द मेटल इन द फॉर्म ऑफ नॉन आयनाइजेबल एटम ग्रुप्स, इट रिप्रेजेंट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है लिगेंड्स के फॉर्म में, वो ब्रेक डाउन नहीं होती। जब वो टूटेगा तो ये पूरा का पूरा कम्प्लेक्स आयन निकलता है, ये लिगेंड्स अलग नहीं निकलते हैं, तो इसलिए वो आपका सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है जितने लिगेंड्स लगे होते हैं, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर, जितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लगे होते हैं उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी है जो नॉन आयनाइजेबल है वो रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है काउंटर आयन या ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, K4 जैसे एग्जांपल है K4FeCN6, ये इसमें जो आपका K4 है ये आयनाइजेबल है, ये टूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा आयन की फॉर्म में, और यहाँ जब ये आएगा तो यहाँ पे इसका 4 नेगेटिव स्टेट भी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो K4 है ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी है मेटल की, बट जब ये निकलेगा तो CN6 ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो ये नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी है 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। तो दिस इज प्राइमरी वैलेंसी और दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल हैज़ द टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स। प्राइमरी वैलेंसी जो है जो भी उसका काउंटर आयन है बाहर का वो उसको सेटिस्फाई करता है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो लिगेंड सेटिस्फाई करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो है मेटल की, वो जो ब्रैकेट के बाहर कोई आयन है वो उसका जो है काउंटर आयन बाहर वाला वो रिप्रेजेंट सेटिस्फाई करता है प्राइमरी वैलेंसी, और अंदर वाला जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं आपके लिगेंड्स। प्राइमरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस एंड सेकेंडरी वैलेंसी बाय सॉलिड लाइन। जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे मेटल बनाएंगे और उसके बाहर से उसके वो ग्रुप्स लगाएंगे जिसमें लिगेंड्स होंगे और जो आपके मान लो काउंटर आयंस होंगे, कुछ काउंटर आयंस होंगे, तो दोनों तरह की वैलेंसीज ही हैं। तो जो प्राइमरी वैलेंसी होगी जिसको आप आयनाइजेबल बोल रहे हैं वो उसको आप डॉटेड लाइन से लिखेंगे, मतलब काउंटर आयंस को आप डॉटेड डॉटेड लाइन से लिखेंगे, और लिगेंड जो होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर उनको आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब मेटल के बाहर जो लिगेंड्स होंगे ना उनको आप सॉलिड लाइन से बनाएंगे, सॉलिड LL सॉलिड लाइन से, जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से बनाएंगे। प्राइमरी वैलेंसी को जो काउंटर आयंस हैं बाहर उनको आप डॉटेड लाइन से बनाएंगे ऐसे करके। तो ये मेटल के पास दो तरह की वैलेंसीज हैं, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो है आपकी आयनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी नॉन आयनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, सेकेंडरी वैलेंसी आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। मेटल के पास टेंडेंसी है दोनों को सेटिस्फाई करने की, और जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी है उसको सॉलिड लाइन से करते हैं और प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल देंगे, इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल इन नेचर, लास्ट पॉइंट है इसका। जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं मतलब जो लीगेंड्स हैं
प्राइमरी वैलेंसी की बात नहीं हो रही है, प्राइमरी वैलेंसी तो आयनाइज हो जाएगी, आयन्स निकल आएंगे। जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करती हैं, जो लिगेंड्स हैं, वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं एंड आर डायरेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पॉलीहेड्रॉन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। हमने ये टर्म पहले भी पढ़ी है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, पीछे के आप वीडियोस देख सकते हैं। मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, जो लीगेंड्स हैं, वो उनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है स्पेस में, प्रॉपरली अरेंज होते हैं। अगर चार हैं तो वो स्क्वेयर प्लानर शेप में होंगे इस टाइप के, या टेट्राहेड्रल शेप में होंगे। पांच हैं तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप में होंगे। तो इनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है स्पेस में, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, एक प्रॉपर डायरेक्शन में होते हैं। अब जब डायरेक्शन में होंगे तो पूरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की एक प्रॉपर शेप होगी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। यही रीज़न है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है। अगर तीन होंगे तो ट्राइगोनल शेप में होंगे, तीन होंगे तो ऐसे कुछ ट्राइंगुलर शेप में होंगे अरेंजमेंट उनका। चार होंगे तो वो टेट्राहेड्रल भी हो सकते हैं, स्क्वेयर प्लेनर भी हो सकते हैं। पांच होंगे तो आपके स्क्वेयर पिरामिडल भी हो सकते हैं, या आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी हो सकता है शेप उसकी। पढ़े हमने आपका पिछले वाले वीडियो में ये सारी शेप्स डिस्कस की थी। तो एक प्रॉपरली अरेंजमेंट होता है जिसको आप कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं, दस गिविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल। जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो आयोनाइजेबल आयन्स हैं, जो काउंटर आयन्स हैं, वो क्योंकि आयोनाइजेबल हैं इसलिए वो उनकी कोई शेप नहीं होती, मतलब शेप में आपका कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। वर्नर मेड हिज स्टडीज बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स फाउंड बाय COCl3 एंड अमोनिया एंड देन ट्रीटिंग दैम विद AgNO3 एक्वस एंड ऑब्जर्विंग द अमाउंट ऑफ AgCl फाउंड। अब ये जो सारे के सारे छः पॉइंट्स इसने बताए वर्नर ने, तो इसके पीछे कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी थी। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कैसे की उसने, क्या कंपाउंड लिया उसने उसको चेक करने के लिए, ये वाला कंपाउंड लिया, COCl3 और अमोनिया का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, COCl3 और अमोनिया का, जिसमें आपका Cl3 और अमोनिया ये आपस में लिगेंड्स भी हो सकते हैं। काउंटर आयन मेटल आपका है कोबाल्ट, और ये जो है Cl3 और अमोनिया, इनमें से भी ये प्राइमरी वैलेंसीज भी हैं और सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब कोबाल्ट लगा हुआ है और उसमें अमोनिया भी लगे हुए हैं, NH3 ऐसे अमोनिया भी लगे हुए हैं और क्लोरीन भी लगे हुए हैं। अब उनमें से क्लोरीन और अमोनिया प्राइमरी वैलेंसीज में भी हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज में भी। उसके बाद क्या किया उसने, अलग अलग कंपाउंड्स बनाए इससे इसके, और उसको ट्रीट किया किसके साथ, AgNO3 के साथ, और उसने देखा कि AgCl कितना बनता है, कितना निकलता है। देखो हम इसको यहाँ ऐसे समझेंगे एक टेबल की फॉर्म में। अब जब कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 और अमोनिया मिलेंगे, आपके अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे। देखो एक तरह का ये बनेगा CONH3O6 और Cl3, मतलब लिगेंड सारे के सारे छह अमोनिया जो है ऑक्यूपाई कोबाल्ट के पास, एक दो तीन छह आपकी लिगेंड साइट्स हैं, छह लिगेंड्स इसमें जुड़ सकते हैं, तो वो छह के छह क्या जुड़ गए, अमोनिया। और बाहर जो है उसके बाहर जो काउंटर आयन रह गया वो रह गया क्लोरीन Cl3। तो ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन सकता है इसमें। दूसरा क्या बना है, अमोनिया NH3 5 Cl और Cl2, जो छह उसकी साइट्स हैं उसमें से पांच पे अमोनिया आ गया, एक दो तीन चार, पांच पे अमोनिया आ गया और एक पे क्लोरीन आ गया, पांच पे अमोनिया और एक पे क्लोरीन, और जो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, जो काउंटर आयन रह गया वो दो क्लोरीन रह गया, क्योंकि एक क्लोरीन अंदर आपका आ गया। उसी तरह से अब चार अमोनिया, चार साइट्स अमोनिया ने ऑक्यूपाई कर ली और दो क्लोरीन ने, और काउंटर आयन सिर्फ एक क्लोरीन रह गया, या सारे के सारे तीन अमोनिया और तीन क्लोरीन, ये अलग अलग कंपाउंड्स बने।
किससे? COCl3 और अमोनिया से ये आपके चार कंपाउंड्स बने। इसको क्या किया उसने, कैसे स्टडी किया कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? इसने इसको ट्रीट किया AgNO3 सॉल्यूशन के साथ। अभी आपने पीछे पढ़ा, देन ट्रीटिंग देम विद AgNO3 सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्विंग अमाउंट ऑफ AgCl फॉर्म। AgNO3 के साथ इसको क्या करेंगे जो है वो ट्रीट करेंगे AgNO3 के साथ, इसको जैसे AgNO3 के साथ इसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये आयनाइजेबल हैं तीन Cl3, तीन AgNO3 यूज होंगे, तीन AgNO3 यूज होंगे और यहां से तीन Cl निकलेंगे क्योंकि ये तीनों आयनाइजेबल हैं AgNO3, तो ये आपके तीन AgCl प्रोड्यूस होंगे। AgCl कितने बनेंगे? तीन। वही देखा उसने, जब उसने AgNO3 यहां यूज किया तो मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म, कितने AgCl बने? तीन। क्यों बनेंगे तीन? क्योंकि तीन क्लोरीन निकलेंगे यहां से। अब इसी बेस पे उसने देखा कि क्योंकि तीन AgCl निकले, तीन AgCl निकले, इसका मतलब जब ये ब्रेकडाउन हुआ होगा तो कॉम्प्लेक्स आयन ऐसे निकला, 6 3 पॉजिटिव और 3 Cl नेगेटिव, ये आयन्स बने होंगे, तभी जाके तो तीन AgCl निकले, क्योंकि ये बाहर का काउंटर आयन है, ये आयनाइजेबल वैलेंसी है और दूसरा ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी, इसने उसको प्राइमरी वैलेंसी बता दिया। ये कॉम्प्लेक्स है, जब इसको ट्रीट किया तो दो AgCl बने, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर दो ही क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन है वो अंदर चला गया है, तो इसके जो आयन्स बनेंगे वो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव बनेंगे। तो सेम केस इनके साथ भी है, अब देखो इसमें कितने होंगे, एक ही AgCl बनेगा क्योंकि आयनाइजेबल एक ही है, एक ही AgCl बनेगा, बाकी जो एनमोनिया 4 और Cl2 ये पूरा पॉजिटिव बनेगा, पूरा ये कॉम्प्लेक्स, और ये वाला इसमें काउंटर आयन कोई भी नहीं है, बाहर कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये बना ही नहीं, AgNO3 यूज ही नहीं हुआ, AgCl बना ही नहीं, बना ही नहीं क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स एक ही है, इसमें कोई आयन बनेगा ही नहीं, Cl बाहर है ही नहीं, Cl जब बाहर ही नहीं है तो AgCl बनेगा भी नहीं। तो ये उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस पे स्टडी थी, उसी के बेस पे उसने उन स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन किया। जो पहला है कंपाउंड आपका ये वाला, जिसमें 6 पोजीशन पे लिगेंड्स लगे हैं और तीन जो हैं आपके आयनाइजेबल आयन्स, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? 6 के 6 पोजीशन पे अमोनिया लगे हैं, देखो ये लिगेंड सॉलिड लाइन से बनाए हैं, 3 4 5 सॉलिड से, जो सेकेंडरी वैलेंसी है पढ़ा आपने उसको सॉलिड से लिखते हैं और प्राइमरी वैलेंसीज को डॉटेड। अब कॉम्प्लेक्स है CO NH3 होल 6 और Cl3 जो आपका पहला कंपाउंड है ये वाला, 6 के 6 पोजीशन पे लगे हैं, 1 2 3 लिगेंड्स लगे हैं और तीन क्या है? प्राइमरी वैलेंसीज जो डॉटेड लाइन से बनाई हुई, 1 2 3, तो ये स्ट्रक्चर इसका होगा। ये जो तीन है ये स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, अभी पीछे पढ़ा ये डायरेक्शनल नहीं है, ये स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ ये वाले जो 6 हैं वो स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए इसका कुछ ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, इसकी 6 मेटल के बाहर ऐसे 1 2 3 4 एक ऊपर एक नीचे, 6 ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होगी, स्पेसिफिक शेप होगी इसकी, दिस इज द रीजन फॉर दिस परफेक्ट डेफिनेट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो है COCl3 अमोनिया 5, द आयनाइजेबल क्लोराइड्स आर ऑनली 2, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स जो हमने देखा था CO जिसमें अमोनिया 5 पोजिशन पे थे, Cl1 पे और Cl2, तो दूसरा वाला जिसमें 2 AgCl बने थे,
पांच पोजीशन पे अमोनिया और एक पे क्लोरीन, और ये जो दो हैं ये आयनाइजेबल बाहर, प्राइमरी वैलेंसी। तो दो, एक देखो, एक दो तीन चार, पांच पे अमोनिया और एक पे क्लोरीन, ये भी सॉलिड लाइन से, मगर इसके साथ सॉलिड के साथ साथ डॉटर भी दिया हुआ है। और ये जो दो हैं जो ब्रैकेट के बाहर हैं काउंटर आयन, ये दो वो क्लोरीन हैं प्राइमरी वैलेंसी वाले, ये और ये, और ये हो गए प्राइमरी वैलेंसी, और ये एक दो तीन, ये हो गई सेकेंडरी वैलेंसी। उस सेकेंडरी वैलेंसी में से पांच हैं अमोनिया और एक है क्लोरीन। जो ये क्लोरीन है ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि देखो ये ऐसे भी बनाया हुआ है और डॉटेड भी बनाए हुए हैं, फिर लिखा है क्लोरीन, तो प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जो दूसरा है जिसमें चार है सी ओ, आपका थर्ड टेबल में जो थर्ड नंबर पे है सी एल टू, और बाहर है आपका सी एल, काउंटर आयन एक ही है, प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ एक है सी एल प्योर डॉटेड लाइन में, बाकी एक दो तीन चार अमोनिया, चार आपके साथ अमोनिया लगे हुए हैं, दो क्लोरीन लगे, जो दो क्लोरीन लगे हुए हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। द लास्ट कंपाउंड ऑल आर सेकेंडरी वैलेंसी सो नथिंग इज आयनाइजेबल। जो लास्ट कंपाउंड है टेबल में सी ओ एन एच थ्री होल थ्री सी एल थ्री, बाहर कुछ है नहीं काउंटर आयन, बाहर कुछ है नहीं, तो सारे के सारे क्या हैं, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी कोई नहीं। तो ये हो गया आपका वर्नर्स थ्योरी क्या थी, 6 पॉइंट उसके, और एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी की कोबाल्ट की बेस पे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्टेड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, लिमिटेशन ये है कि सेकेंडरी वैलेंसी ही क्यों डायरेक्शनल है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो ही क्यों शेप्स की डिटरमाइन करती हैं, प्राइमरी क्यों नहीं करती। बता तो दिया उसने कि आयनाइजेबल हैं, निकल जाते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल हैं, बट ऐसा क्यों है, प्राइमरी वैलेंसी शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करती है, सेकेंडरी वैलेंसी करती है, दिस इज ड्रॉबैक, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। कुड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कलर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, वो कलर भी होते हैं, वो कलर्ड भी होते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, कोई डायमैग्नेटिक होते हैं, कोई पैरामैग्नेटिक होते हैं कंपाउंड्स, वो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो वो मैग्नेटिक क्यों होते हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, वो नहीं बता पाया। वो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी क्या है उनकी, क्यों वो अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रा बनाते हैं, स्पेक्ट्रम बनाते हैं, समझो कलर्ड प्रॉपर्टीज क्यों हैं उनमें, उसको वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। व्हाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड अदर्स नॉट। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना भी हर एक एलिमेंट की बात नहीं है, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स हैं, कुछ मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं बनाते, पूरे पीरियडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और बहुत सारे हैं जो नहीं भी बनाते, तो सिर्फ यही क्यों बनाते हैं, ये क्यों नहीं बनाते, कुछ बनाते हैं कुछ नहीं बनाते हैं, तो रीज़न क्या है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस।